मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। अनिल विज सोनीपत लोकसभा से भाजपा लड़वाएगी भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में चुनाव। उनकी गब्बर की छवि के साथ ईमानदारी को ढाल बनाकर भाजपा सोनीपत से चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है। ऐसे में क्या है और रणनीति, कुलदीप खंडेलवाल की रिपोर्ट पर चलते हैं चर्चा। लोकसभा चुनाव में अभी कुछ माह बाकी है, इसके बाद जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गयी है। एक और तो भाजपा है जो कि हमेशा ही चुनाव मोड में रहती है, वहीं कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2019 में प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमा चुकी भाजपा 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनावों में भी अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। वहीं कांग्रेस भी लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश में है। सोनीपत लोकसभा सीट वैसे भी हमेशा ही चर्चा में रहती है। प्रदेश की अन्य 10 लोकसभा सीटों के मुकाबले में सोनीपत की सीट महत्वपूर्ण भी हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अधिक प्रभाव सोनीपत और रोहतक लोकसभा सीट पर ही माना जाता है। चूंकि 2019 में प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे, इसलिए भी सोनीपत की लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां किसी भी तरह की गुंजाइश छोड़ने की मूड में नहीं है। कांग्रेस जहां हर लोकसभा पर मजबूत चेहरा तैयार कर रही है, तो वहीं भाजपा भी मजबूत चेहरा तलाश रही है। 2024 में भाजपा को जीतना है, अब की बार भाजपा के हालात सही नहीं है, तभी तो प्रभारी चेहरा को पैनल पर लेकर आ रही है। सोनीपत लोकसभा की बात करें तो बेशक 2019 के चुनाव में जीत गई थी, पर कुछ माह बाद हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई थी। सोनीपत लोकसभा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ भी कहा जाता है, तभी तो भाजपा सोनीपत को लेकर चिंतित है। ऐसे में भाजपा के तेजतर्रार, ईमानदार और दबंग मंत्री अनिल विज का नाम सूत्र बता रहे हैं। सोनीपत लोकसभा जाट लैंड में आती है, पर वहां जीत का फैक्टर ब्राह्मण और पंजाबी वोट बैंक है, तो अनिल विज इस वोट बैंक को साधेंगे, साथ में जाट वोट बैंक को भी साधेंगे, क्योंकि उनकी छवि प्रदेश में जो गब्बर की है, जिसे हर कोई पसंद करता है, उसी छवि के आसरे भाजपा सोनीपत में तैरना चाहती है। अनिल विज से बेहतरीन चेहरा नहीं हो सकता। सोनीपत लोकसभा सीट से फिलहाल भाजपा के रमेश चंद्र कौशिक सांसद हैं। रमेश कौशिक लगातार दो बार से सांसद हैं, ऐसे में अब की बार भाजपा रिस्क शायद नहीं लेगी। भाजपा वैसे भी हर तरह के समीकरण को साधने में माहिर रही है, ऐसे में वो 35 वर्ग को टिकट देने से भाजपा गैर जाट वोटर्स का ध्रुवीकरण कर सकती है। अगर किसी वजह से रमेश कौशिक भाजपा के प्रत्याशी ना भी हो, तो भी बहुत प्रबल संभावना है कि भाजपा किसी पंजाबी या ब्राह्मण नेता को ही टिकट दे, ताकि गैर जाट वोटर्स पर फोकस किया जा सके। रमेश कौशिक पिछली बार मोदी चेहरा और मैनेजमेंट के सहारे जीत गया था। 2019 में सोनीपत लोकसभा सीट पर बीजेपी के रमेश चंद्र कौशिक ने कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1,64,864 मतों से पराजित किया। यह सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। कौशिक को 5,87,664 वोट मिले, वहीं हुड्डा के पक्ष में 4,22,800 वोट पड़े। इस सीट पर 2,464 वोट नोटा को डाले गए, वहीं दिग्विजय सिंह चौटाला को 50,904 वोट मिले हैं। जजपा और कांग्रेस का वोट कुल मिलाकर 4,73,704 बनती है। हालांकि जीत से दूर है, पर आपसी मेहनत के बाद सीट निकल जाती है। लोकसभा चुनाव में मोदी लहर थी, पर विधानसभा का चुनाव में बड़ा अंतर है, इसलिए यहां भी मजबूत गठबंधन हो सकता है। सोनी लोकसभा में कुल 9 विधानसभा शामिल है, इसमें सोनीपत, राई, गनौर, खरखौदा, गोहाना, बरौदा, सफीदो, जुलाना और जिंद विधानसभा शामिल है। इन सभी 9 विधानसभाओं में केवल 2 बरौदा और जुलाना विधानसभा ऐसी हैं जो कि पूरी तरह से ग्रामीण हैं। बाकी की 7 सीटों पर शहरी मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। विशेष तौर पर सोनीपत और जिंद शहर बड़े शहरों में शामिल हैं। ऐसे में लोकसभा का चुनाव पूरी तरह से शहरी क्षेत्र के मतदाताओं पर निर्भर रहेगा। खैर, अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या सोनीपत से लोकसभा की टिकट पर अनिल विज को उतारेंगे या नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
कि यदि सोनीपत से अनिल विज को टिकट दी गई तो क्या भाजपा सीट निकाल लेगी। देश और प्रदेश की खबरों के लिए विश्व प्रेम समाचार पत्र और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम समाचार पत्र और हरियाणा न्यूज फ्लैश।